देश में बढ़ रही प्याज की कीमतों से आम आदमी को परेशान हो रखा है। इसके दाम 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसी बीच उद्योग मंत्रालय ने प्याज के निर्यात नीति में संशोधन किया है। अगले आदेश तक हुए संशोधन के चलते प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इससे पहले 24 सितंबर को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा प्याज कीमतों पर अंकुश लगाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल प्याज का 50,000 टन का बफर स्टॉक भी मौजूद है, जिसके जरिए मंडियों में इसकी आवक बढ़ाई जा रही है। देश के कई हिस्सों में प्याज की फुटकर कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिसके चलते सरकार प्याज व्यापारियों के भंडारण की सीमा तय करने पर विचार कर रही है। इधर उपभोक्ता मामले में मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में खुदरा प्याज की कीमत 60 रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा मुंबई में इसके दाम 58 रुपए प्रति किलो और चेन्नई में 42 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। कानपुर में प्याज 70 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है और पोर्ट ब्लेयर में 80 रुपए किलो है। वहीं व्यापारिक आंकड़ों पर गौर करें तो प्याज की गुणवत्ता और इसके उत्पादन के स्थान पर देश के कई हिस्सों में खुदरा प्याज के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में चल रहे हैं। महाराष्ट्र सहित कई प्याज उत्पादक राज्यों में बाढ़ आने से पिछले एक महीने में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।